हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश के पीरियोडिक फर्स्ट 2020-2021 के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने भी एग्ज़ाम दिया है आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो वो भी इन क्वेश्चन को कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल हमारे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कितने हैं, हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। तो एक एक करके चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है, वेयर वाज द पेरेंट सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री नियर द, पहला ऑप्शन टेम्पल, दूसरा ऑप्शन पोल, तीसरा ऑप्शन एज ऑफ वॉल, और चौथा ऑप्शन मॉस्क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, एज ऑफ वॉल। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कलर टर्बन वाज द चाइल्ड वियरिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकेंड इससे ऑप्शन क्या है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड येलो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर, येलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है, हाउ आर द पीपल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, देखिए इन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में चारों गलत हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी लिख रहा है उसकी जगह जी की जगह डी आना चाहिए, DAILY, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैसे आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिसप्रिंट है। आंसर क्या है हमारा करेक्ट, डेली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, द बॉय वाज ट्राइंग टू कैच द, क्या कैच करने की कोशिश कर रहा था बॉय, फिश, बटरफ्लाई, काइट और कैट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बटरफ्लाई। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला है, द लेगेट बिहाइंड फैंटेस्टिक बाई द, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास देखें तो हमारे स्नेक होगा नहीं, राइड है नहीं है। इसके बाद हमारा स्वीट और टॉय दोनों ही करेक्ट आंसर है, वैसे तो दोनों एक साथ ऑप्शन में देने नहीं चाहिए, और अगर दे दिए गए हैं तो हम यहाँ पे स्वीट को कंसिडर करेंगे। वैसे ये डिपेंड करता है सामने वाले की ऊपर की वो किसको कंसिडर करता है, क्योंकि दोनों ही वर्ड मेनली यूज़ किए गए हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्वीट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ पर, हाउ ओल्ड वाज मैगी, तो मैगी की जो एज थी वो कितनी थी वो हमें अभी ये बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 11 ईयर ओल्ड। इसके बाद, इन विच सब्जेक्ट मैगी परफॉर्मेंस वाज पुअर, यानी किस सब्जेक्ट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेकार थी, सबसे ज़्यादा पुअर थी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ज्योग्राफी के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाट डिड कंट्री इंस्पेक्टर गिव टू मैगी, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, एन एप्पल। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आप खुद देने की कोशिश करें, आप हमें कमेंट में इसका आंसर दें, और जो करेक्ट आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम मेंशन किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारे यहाँ पर। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर, सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग टॉमीज टीचर वाज अवे फ्रॉम हिम, यानी कितने टाइम तक अवे रहे, मतलब कि बात करें तो इसने क्या किया था कि पूरा जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो मिटा दिया था, और मिटाने के बाद उसको रिपेयर करने के लिए भेजा गया, तो करीबन अगर हम बात करें सो फॉर 1 मंथ के लिए अलग रहा था, तो फॉर अ मंथ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन डिड मैगी लर्न अबाउट द पंचकोड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, एट द एज ऑफ 6। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक सिचुएटेड, तो इसका आंसर क्या होगा, लंदन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज एयरलेन हर म्यूजिक, तो देखिए सुनने के लिए तो हमें कान से सुनना पड़ता है, लेकिन वो फील कहाँ से करता है, पूरी बॉडी से करता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 13 का, ऑप्शन नंबर ए, थ्रू हर होल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे यहाँ पे बोल रहा है, हाउ ओल्ड एलन वैन शी वैन टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि करेक्ट आंसर है बिलो 17। ओके, और बिलो 17 कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है, 17 आपको क्लिक नहीं करना है, क्या करना है, बिलो 17, और जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज स्टैंडिंग विद द प्योर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे नॉन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। इसके बाद है, येलो वुड्स स्टैंड फॉर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर, फॉरेस्ट इन येलो कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द प्योर ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट फोस्ट। इसके बाद हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज बोट स्टैंड इन द फर्स्ट लाइन, सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू रोड इन द फॉरेस्ट। इसके बाद हम यहाँ पे आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बोल रहा है, हु डिड रियलाइज एलियन डिफरेंस फर्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हर मदर। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी रोड्स वर थ्री इन अ पोएम द रोड नॉट टेकन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर, टू रोड्स। ओके, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ा उसका आप करेक्ट आंसर हमें दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बात करें तो देखिए, ये तो हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन है, तो ग्रामेटिकल सेक्शन तो आपको आता ही होगा, कुछ याद करने वाली चीज़ है नहीं इसमें। और इनके भी आंसर हमें, पांचों के आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि ग्रामर की चीज़ है, ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन अगर किसी को फिर भी लगता है कि हम उन्हें आंसर बताएं, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उनका आंसर बता देंगे।